आज का हमारा लेक्चर भी है ग्रुप वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी के ऊपर। सबसे पहले देख लेते हैं भैया ग्रुप वेलोसिटी होती क्या है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि जो आपके ग्रुप वेलोसिटी होती है वो वेव पैकेट की वेलोसिटी होती है। किसकी वेलोसिटी होती है भैया? वेव पैकेट की वेलोसिटी होती है। वेव पैकेट क्या होता है भैया? पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये चीज बताई थी, दोबारा एक बार बता देता हूं कि कोई भी एक पार्टिकल उसके साथ मल्टीपल वेव्स एसोसिएटेड होती हैं अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बाद श्रोडिंगर ने यह कहा कि किसी भी एक पार्टिकल के साथ मल्टीपल वेव्स एसोसिएटेड होती हैं, और ये सारी वेव्स जब एक साथ ट्रेवल करती हैं तो इन सब का एम्पलीट्यूड ऐड होके एक सिंगल वेव को जन्म देता है जिस वेव को हम क्या कहते हैं भैया? वेव पैकेट। मतलब कि इन सभी वेव्स का सुपर इम्पोजिशन इज नोन एज वेव पैकेट। और इसी वेव पैकेट की क्या वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से ये वेव पैकेट मूव कर रहा है, उसे हम कहते हैं भैया ग्रुप वेलोसिटी। क्या कहते हैं भैया? ग्रुप वेलोसिटी। इसी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो। अब भैया ग्रुप वेलोसिटी की डेफिनेशन डेरिवेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसा कि हमने फेज वेलोसिटी में क्या किया था कि हमने एक साई कंसिडर किया था। क्या कंसिडर किया था भैया? एक साई कंसिडर किया था। ठीक उसी तरीके से ग्रुप वेलोसिटी जब हम निकालते हैं तो क्योंकि हमें पता है कि यहां एक से ज्यादा वेव्स हैं जो कि आपस में सुपर इम्पोज करके और एक नई वेव को जन्म दे रही है, तो जब हम इसकी डेरिवेशन जब इसका फॉर्मूला निकाल रहे होंगे तो हमें एक से ज्यादा वेव को लेना पड़ता है काउंट में। ठीक है, अगर एक से ज्यादा वेव है तो एक से ज्यादा वेव फंक्शंस होंगे, तो हमें दो साई को कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर दिस केस हम मिनिमम दो साई ले लेते हैं, दो वेव फंक्शन ले लेते हैं, दो वेव्स को कंसिडर कर लेते हैं। तो एक होगा हमारा साई वन, जिसकी वैल्यू क्या होगी भैया? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यही होती है भैया हमारे वेव फंक्शन की जो क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन। यही है हमारी वेव फंक्शन की इक्वेशन। और साई टू जो हमने दूसरी वेव ली, इसकी वेव इक्वेशन क्या होगी भैया? ए साइन ओमेगा डैश टी माइनस के डैश एक्स। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? यहां पे आपको एक चीज समझने वाली बात है कि भैया ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है ये किसको डिनोट करता है भैया? एंगल को डिनोट करता है। साइन का जो एंगल है ये इसको डिनोट कर रहा होता है, और साथ ही साथ ये फेज को डिनोट कर रहा होता है। भैया किसको डिनोट कर रहा होता है? फेज को डिनोट कर रहा होता है। हमें क्या पता है कि अगर ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इसके बीच में माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या समझेंगे कि जो वेव का प्रोपगेशन है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में भैया? प्लस एक्स डायरेक्शन में। हमें पता है ना, नंबर सिस्टम हमने पढ़ा है कि भैया ये जो है ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस है, ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस है ना। तो अगर यहाँ ओमेगा टी माइनस के एक्स के बीच में माइनस लगा हुआ है तो हम क्या समझेंगे कि भैया वेव का जो प्रोपगेशन है, वेव का जो मूवमेंट है, वेव किस तरफ आगे बढ़ रही है, वो क्या है भैया? प्लस एक्स डायरेक्शन। और अगर ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है तो हम क्या समझेंगे कि भैया माइनस एक्स डायरेक्शन में जो वेव है वो प्रोपगेट कर रही है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दो वेव्स हमें मिली हैं, ये जो दो वेव्स हमने निकाली हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे भैया? फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ, भैया राइटिंग थोड़ी संभाल लेना, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ओमेगा, या मैं कहूं साई इज इक्वल टू, जो फाइनल साई है वो साई इज इक्वल टू क्या होगा? साई वन प्लस साई टू, जिसकी वैल्यू क्या होगी भैया? जिसकी वैल्यू होगी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा डैश टी माइनस के डैश एक्स। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। इसमें हमें ए कॉमन दिख रहा है, ए को बाहर निकाल लो। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा डैश टी माइनस के डैश एक्स। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला क्या है कि अगर हमारे सामने साइन सी प्लस साइन डी आ जाए तो ये बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है टू साइन सी प्लस डी बाय टू कॉस
सी माइनस डी बाय टू के बराबर। ये फॉर्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री की तरफ से निकाल सकते हो। क्या हमें यहाँ पे सेम चीज़ दिख रही है? इसको हम C मान सकते हैं, इसको हम D मान सकते हैं। भैया इसको हम C मान सकते हैं, इसको हम D मान सकते हैं, और सेम चीज़ को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। कैसे रखेंगे भैया? 2 इंटू साइन सी की जगह पे ये वाला फंक्शन रखेंगे, ये वाला एंगल रखेंगे, डी की जगह पे ये वाला एंगल रखेंगे, फिर कॉस का टर्म आएगा। सी माइनस डी, सी की जगह पे ये वाला टर्म रखेंगे, डी की जगह पे ये वाला टर्म हम रख रहे होंगे। क्या भैया? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। फॉर्मूला को एज इट इज जब रखेंगे, सबसे आगे क्या आया भैया? 2 आया। फिर हमने एक ए कॉमन लिया था, ए आया। उसके बाद साइन वाली वैल्यू आएगी। साइन वाली वैल्यू में सबसे पहले जब सी को हम रखेंगे, सी क्या है भैया? ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या है भैया? ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हो गया सी वाली वैल्यू। उसके बाद क्या है भैया? प्लस लगाएंगे, उसके बाद ओमेगा डैश टी माइनस के डैश एक्स, प्लस ओमेगा डैश टी माइनस के डैश एक्स। ठीक है, यह हो गया भैया साइन वाला टर्म, और हो गया डिवाइडेड बाय टू प्लस, एक सेकेंड, यहाँ प्लस नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट कॉस आएगा। कॉस में क्या आ जाएगा भैया? ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये सी हो गया, और माइनस में यहाँ ब्रैकेट लगा लेना ताकि जब आप माइनस ओपन करो तो प्लस हो जाए, या आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। अच्छा डायरेक्टली रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे। ओमेगा डैश टी माइनस के डैश एक्स, ये डी की वैल्यू हो गई। तो ये हो गया भैया हमारा कॉस का टर्म। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे और ये माइनस अंदर जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा भैया? जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे और ये माइनस अंदर जाएगा तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा भैया प्लस। क्या मिल जाएगा भैया? प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है। अब यहाँ पे एक थ्योरेटिकल चीज क्या आ जाती है कि भैया हमने देखा कि ये जो साइन वाला टर्म है, हमें क्या पता है कि ये जो साइन वाला टर्म है ये डिनोट करता है एंगल को। किसी भी वेव फंक्शन साई में जो साइन का टर्म होता है वो डिनोट करता है एंगल को, या फिर डिनोट करता है फेज को। डिनोट करता है फेज को। जब हम फेज वेलोसिटी निकालते हैं, तब हम साइन की वैल्यू को कंसिडर करते हैं, लेकिन क्योंकि जो हमारा कॉस वाला टर्म है वो एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है भैया? एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। मतलब अगर किसी भी वेव फंक्शन साई से हमें एंगल निकालना है तो हम साइन वाले टर्म को देखेंगे, और अगर हमें एम्पलीट्यूड निकालना है तो हम कॉस वाले टर्म को देखेंगे। हमें क्या पता है कि जब हम ग्रुप वेलोसिटी निकालते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि अलग अलग फ्रिक्वेंसीज की वेव, आपस में सुपर इम्पोज होती है और हमें एक नई वेव देती है, हमें एक नया वेव पैकेट देता है। और इसमें चेंज क्या होता है? इसमें चेंज होता है भैया एम्पलीट्यूड। क्या चेंज होता है भैया? एम्पलीट्यूड चेंज होता है। तो जब ये फाइनल जो ग्रुप वेलोसिटी होगी, जो ये हमें फाइनल जो एम्पलीट्यूड वाली वेव मिली है, जो इसकी ग्रुप वेलोसिटी होगी, उसके लिए हम इस वेव का एम्पलीट्यूड कंसिडर करेंगे। तो जब हम इस चीज को फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे, इस साई को, इस वेव फंक्शन को जब हम फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे, तो हम एंगल या फेज वाले टर्म को हटा देंगे, इसको यूज में नहीं लाएंगे, हम सिर्फ कंसिडर करेंगे भैया अपना एम्पलीट्यूड वाला टर्म। तो जब आप एग्जाम में भी जाओगे तो ये पूरी थ्योरी से थोड़ा समझा देना कि क्योंकि हम जब फेज वेलोसिटी निकालते हैं तब हम फेज जो साइन की वैल्यू होती है उसे कंसिडर करते हैं, और जब ग्रुप वेलोसिटी निकालते हैं तब एम्पलीट्यूड वाले टर्म को कंसिडर करते हैं जो कि कॉस का टर्म होता है। तो बाय कंसिडरिंग कॉस टर्म हम अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी में आगे कैसे भैया? साई इज इक्वल टू 2a कॉस, साइन वाला टर्म हम हटा देंगे, साइन वाला टर्म कंसिडर नहीं करेंगे। ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा डैश टी और प्लस के डैश एक्स। इसमें कुछ कॉमन समझ में आ रहा है क्या? नहीं भैया, कॉमन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे? ओमेगा वाले टर्म्स को एक साइड कर लो, के वाले टर्म्स को एक साइड कर लो, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी डैश। एक सेकेंड, यहाँ डिवाइडेड बाय एक टू भी है भैया, इसको आप छोड़ना मत, ये डिवाइडेड बाय यहाँ पे टू भी है, ठीक है, इसको छोड़ना मत। अब ओमेगा टी माइनस ओमेगा डैश टी माइनस के वाला टर्म आ गया के एक्स, और प्लस में आ गया भैया के डैश एक्स, होल डिवाइडेड बाय टू। इस टू को एक तरफ कर दो। कैसे एक तरफ करना है भैया? टू ए कॉस, ओमेगा को कॉमन, एक सेकेंड, इस वाले टर्म में हम क्या टी को कॉमन ले सकते हैं? हाँ जी भैया, टी को कॉमन ले सकते हैं।
टी को कॉमन ले लिया और ये टू यहां पे आ गया। हमने टू को क्या किया, सिंपली दोनों टर्म्स में डिवाइड कर दिया है। माइनस के वाले टर्म में हम एक्स को कॉमन ले सकते हैं के, एक सेकेंड, अपन क्या करेंगे जब हम x को कॉमन ले रहे होंगे और जब ब्रैकेट बंद कर रहे होंगे तो हमें यहां पे इसको माइनस करना पड़ेगा दोबारा से। क्या करना पड़ेगा भैया, माइनस करना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि इस माइनस को भी हम कॉमन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, इस माइनस को भी हम कॉमन ले रहे हैं। हालांकि बहुत बेसिक मैथ्स है लेकिन फिर भी मैं एम्फेसिस कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग से ये चीज निकल ना जाए कि भैया ये प्लस की जगह माइनस कैसे आ गया। हमने जब इस माइनस को और इस एक्स को कॉमन लिया तो क्या हो गया भैया, ये प्लस वाला टर्म माइनस हो गया और यहाँ पे एज इट इज डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई यार? ये जो पीछे वाला टर्म था आपका, ये जो पीछे वाला टर्म था इसमें, या तो एक काम करो मैं थोड़ा सा थ्योरी भी लिखवा देता हूँ आपके लिए, है ना, ताकि नोट्स थोड़ा सा अच्छे बन जाए और एग्जाम में यार अच्छे से लिख दो, क्योंकि कई सारे बच्चे अपना दिमाग लगा लेंगे, मतलब कि कर लेंगे उस चीज को, लेकिन बहुत सारे बच्चों को तकलीफ भी होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या थ्योरी लिखेंगे कि इन फेज वेलोसिटी वी कंसिडर फेज, ठीक है, लेकिन बट इन ग्रुप वेलोसिटी वी कंसिडर एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये कुछ चीजें थोड़ा इंग्लिश में अपने हिसाब से लिख लेना यार, पढ़े लिखे बच्चे हो, है ना। इंग्लिश में जब इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे कि भैया हमने साइन वाले टर्म को क्यों इग्नोर कर दिया, कॉस वाले टर्म को क्यों ले लिया, तो टीचर थोड़ा इंप्रेस हो जाएगा। अब इसके बाद मुझे एक चीज बताओ कि जब हमने फेज वेलोसिटी निकाली थी तो क्या हमें फेज वेलोसिटी ओमेगा डिवाइडेड बाय के मिली थी? अब इसी से हमें क्या करना है, ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है। तो जब हम ग्रुप वेलोसिटी निकाल रहे होंगे, ये हमारी अभी तक क्या निकली, ये कोई ग्रुप वेलोसिटी का डेरिवेशन नहीं है, ये तो हमने साई निकाला है भाई, ये तो हमने सुपर इम्पोज होने के बाद जो वेव बनी है उसका वेव फंक्शन निकाला है ना। लेकिन इससे जब हमें वेव की वेलोसिटी निकालनी होगी जो कि ग्रुप वेलोसिटी होगी, तो हम क्या करेंगे भैया, जो ओमेगा वाला फैक्टर होगा उसको लेंगे और जो के वाला फैक्टर होगा उसको लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला हमें कहां से मिला भैया, फेज वेलोसिटी वाले फॉर्मूला से मिला। ओमेगा वाला फैक्टर क्या आ रहा है भैया, ओमेगा वाला फैक्टर कुछ ऐसा आ जा रहा है, ओमेगा माइनस ओमेगा डैश डिवाइडेड बाय टू और के माइनस के डैश डिवाइडेड बाय टू। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई, टू से टू कट जाना है, ओमेगा माइनस ओमेगा डैश डिवाइडेड बाय के माइनस के डैश। अब आगे बढ़ो, जब हम बात करें भैया वीजी की, ये हटा दो इसको, ग्रुप वेलोसिटी ये तो चल ही रहा है ना। जब हम बात करते भैया वीजी की, तो अगर ओमेगा माइनस ओमेगा डैश आ रहा है, के माइनस के डैश आ रहा है, तो क्या ये डिफरेंस को दिखा रहा है, हाँ जी भैया दिखा रहा है। तो क्या हम इसे डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा के माध्यम से लिख सकते हैं? बिल्कुल भैया लिख सकते हैं। क्या हम डेल्टा की जगह पे डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी के भी लिख सकते हैं? हाँ जी भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सब हमने मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इसके डिफरेंस को ओमेगा माइनस ओमेगा डैश को हम डेल्टा ओमेगा और डेल्टा के की तरह किससे लिख सकते हैं, और डेल्टा को रिप्लेस करके हम डी ओमेगा भी डी के भी लिख सकते हैं। ये स्मॉल चेंज को दर्शाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये आपकी कोई वेव है तो इसके किसी स्मॉल पार्ट को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे भैया, dx का सहारा लेंगे। तो ये dx जब लिखा जाता है d ओमेगा इस केस में, तो ये स्मॉल चेंज को दर्शाता है। क्या भैया, स्मॉल चेंज को दर्शाता है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आ चुका है और हमें अपने ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिल चुकी है भैया, जो हमारा ग्रुप वेलोसिटी होगी वो डी ओमेगा बाय डी के बराबर होगी। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई, दिस इज द फाइनल ग्रुप वेलोसिटी। अब इसके बाद भैया हम बढ़ते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। क्या भैया, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। हमें अपने फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पता है भैया, जो हमारा वीपी होता है वो ओमेगा डिवाइडेड बाय प्रोपगेशन कांस्टेंट के होता है, जो हमारा वीजी होता है वो कितना होता है भैया, डी ओमेगा बाय डी के होता है ना। क्या हम यहां से ओमेगा वाला टर्म निकाल सकते हैं? हाँ जी भैया, जब हम ओमेगा वाला टर्म निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भैया, ओमेगा इज इक्वल टू के को उधर भेजेंगे, क्या मिलेगा भैया, वीपी इंटू के मिला। इस ओमेगा को इस जगह पे पुट कर दो तो क्या मिला भैया, वीजी इज इक्वल टू डी इंटू वीपी के, वीपी डॉट के डिवाइडेड बाय डी के। कहने का मतलब क्या है कि ये जो ओमेगा है इसे हमें के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है।
जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन वाला रूल डालेंगे, मतलब पहले को छोड़ो दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, और फिर दूसरे को छोड़ो पहले को डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, वही चीज़ कर लेते हैं भैया। जब हम पहले को छोड़ेंगे तो क्या वी पी एज इट इज आ जाएगा, और क्योंकि k को हम k के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इंटू वन आ जाएगा, प्लस पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा भैया, डी वी पी डिवाइडेड बाय डी के, और दूसरा एज इट इज हमने छोड़ दिया है। जा भैया तू ऐश कर। तो हमारा ग्रुप वेलोसिटी क्या निकल के आ गया भैया, वी जी इज इक्वल टू वी पी प्लस डी वी पी डिवाइडेड बाय डी के इंटू के। ये हमारा रिलेशन निकल आया, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोपगेशन कांस्टेंट के। इस चीज को जरूर नोट कर लेना। ठीक है, तो हमने क्या किया भैया, यहां पे फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है उसको फाइंड कर लिया है इन टर्म्स ऑफ के। क्या क्या है भैया, हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट है। अब इसी चीज को हम लैम्डा यानी कि वेवलेंथ के टर्म्स में निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। इसको जब हम लैम्डा के टर्म्स में निकालेंगे तो हमें पहले के की वैल्यू को निकालनी पड़ेगी। हमें क्या बताया कि भैया जो के होता है वो कितना होता है भैया, 2π बाय लैम्डा के बराबर में होता है। जब हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा भैया, डी के इज इक्वल टू -2π बाय लैम्डा स्क्वायर और डी लैम्डा मिल जाएगा। ये डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो, इतना मुझे पता है, ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा कैसे डिफ्रेंशिएशन करा जाता है। ठीक है, अब इन्हीं k और dk की वैल्यूज को हम क्या करेंगे भैया, अपने प्रीवियस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे dk की जगह पे dk वाली वैल्यू पुट कर दो और k की जगह पे k वाली वैल्यू पुट कर दो। हमें फाइनली क्या मिल जाएगा भैया, हमें मिल जाएगा vg इज इक्वल टू vp प्लस dvp डिवाइडेड बाय dk की वैल्यू क्या है भैया, -2λ/λ² और इनटू में d लैम्डा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे k की वैल्यू क्या है भैया, हमारे k की वैल्यू है 2π बाय लैम्डा। जब इस लैम्डा स्क्वायर को ऊपर भेजोगे, तो क्या मिल जाएगा भैया, vg इज इक्वल टू vp प्लस लैम्डा स्क्वायर को हमने ऊपर भेजा, लैम्डा स्क्वायर ऊपर जाएगा ना, हाँ जी भैया ऊपर जाएगा। जब लैम्डा स्क्वायर को ऊपर भेजोगे तो क्या मिलेगा, एक और चीज आप क्या कर लो कि जो ये माइनस है इसको प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा भैया लैम्डा स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा डीवीपी डिवाइडेड बाय क्या था, डिवाइडेड बाय 2λ और d λ। ठीक है, इनटू में एक और टर्म था, क्या था, 2π बाय लैम्डा। इस लैम्डा से इस लैम्डा को कट कर दो, क्या टू से टू कट हो जाएगा। हमारे vg की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी भैया, vp माइनस लैम्डा dvp डिवाइडेड बाय क्या, और कुछ कट हो रहा है नहीं भैया, और कुछ कट नहीं हो रहा है, डिवाइडेड बाय लैम्डा। लेकिन यार ये लैम्डा कहां से आ गया, लैम्डा तो नहीं होना चाहिए, दिस इज 2π। ठीक है, तो यहां पे ये 2 के साथ ये जो है ये पाई है, क्या है भैया, पाई है, दिस इज नॉट लैम्डा यार मिट नहीं रहा, ये है पाई, इसको आप ध्यान रखोगे, ये पाई है हमारा। ठीक है, तो ये जो पाई है, पाई से पाई कट गया, जो हमारा नया टर्म है वो क्या निकलेगा भैया, लैम्डा डी वी पी डिवाइडेड बाय डी लैम्डा, और यहां पे कुछ नहीं बता। तो ये हमारा फाइनल टर्म आ गया इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ जो कि है भैया हमारी लैम्डा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई, हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। तो ये हमारा फाइनल रिलेशन मिल चुका है। तो ये हमने फाइनली सारे रिलेशंस को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हमने देखा कि भैया हमारी ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, उसकी डेरिवेशन किस तरीके से, उसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, साथ ही साथ हमने ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देख लिया, हमने देख लिया कि इन टर्म्स ऑफ प्रोपगेशन कांस्टेंट के उसका रिलेशन क्या होता है, और इन टर्म्स ऑफ लैम्डा उसका रिलेशन क्या होता है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। चीज़ों को रिवाइज करिए यार, नोट्स बहुत अच्छे प्यारे से बना लेना ताकि एग्जाम के टाइम में दिक्कत ना हो। अपना ध्यान रखो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।